नमस्कार, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑल राउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है वो किन किन बातों का अब ख्याल रखे, क्योंकि एग्जाम तो 6 अप्रैल को हो चुका है। अब इसके लिए ना तो हमें कोई कोचिंग करनी है और ना ही किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम अब और आगे फाइट करना है। लेकिन मोस्टली जो गलती बच्चों से हो जाती है वो गलती आप अब मत कर देना। ये बात है उन बच्चों के माता पिता के लिए, मोस्टली ये बात है उन बच्चों के माता पिता के लिए, तो वो इस बात को जरूर ध्यान दें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज यहाँ पर मैं जो भी जानकारी आपको देने वाला हूँ वो एक प्रूफ के साथ होगी और एक ऑथेंटिक जानकारी होगी, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी जानकारी दी गई है वो किसी न किसी प्रूफ के साथ और एक ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। आजकल आप खुद किसी यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे होंगे कि लोग बता रहे हैं कि वाह अरे इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना ये जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उन पर विश्वास ना करो, लेकिन वो कोई छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं और वो भी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं ताकि व्यूज पाने के लिए। तो मेरा हिंट आपके लिए यही है कि इस प्रकार के वीडियो से दूर रहें, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी तो उसके लिए कट ऑफ के बारे में आपको वीडियो बताऊंगा कि भाई कट ऑफ का आखिर क्या मामला है ना। तो आप मेरे हिसाब से ऐसी वीडियोज पर विश्वास जितना कम करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ, आप खुद जानते हो। तो मेरे पास जो जानकारी होती है वो मैं कहीं ना कहीं से किसी न किसी सोर्स से लेकर ही आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर मेरे पास ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो मैंने आज आपको एक बात की है आपके सामने कि भाई आपको एग्जाम हो जाने के बाद ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कहा गया है कि एग्जाम हो जाने के बाद जो कैंडिडेट हैं या फिर उसके जो माता पिता हैं वो कृपया करके ये गलती ना करें। तो वो क्या गलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे की साइड हम आते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड एडमिशन। क्या लिखा है? 3.1 सिलेक्शन इन द टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द जेएनवी। मतलब कि अगर कोई भी कैंडिडेट नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से फाइट कर लेता है, उसका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कैंडिडेट का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ये देखिए। एट द टाइम ऑफ सीकिंग एक्चुअल एडमिशन ईच सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एज prescribed by the Navodaya Vidyalaya Samiti until the admission. The selection is provisional only. मतलब कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी जो सर्टिफिकेट्स नवोदय विद्यालय द्वारा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे आते हैं, मतलब कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में आते हैं, वो आपको जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा उस समय नवोदय विद्यालय के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। मतलब कि चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो स्कूल का सर्टिफिकेट हो, और भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से रेडी करके रखने पड़ेंगे। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी बाधा ना आए। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके बाद क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर
टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाई रेस्पेक्टिव जेएनवी। ये देखो इन्होंने हाइलाइट करके लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, मतलब कि ये कैंडिडेट को एडवाइज कर रहे हैं, उनको एक राय अपनी दे रहे हैं कि जो उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो जिस स्कूल में बच्चा अभी पांचवीं पढ़ रहा है वहां से ना लें। कब तक ना लें? जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी ना हो। मतलब कि जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है इसका परिणाम घोषित होगा। परिणाम घोषित होने के साथ साथ आपकी मेरिट लिस्ट भी घोषित होगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आपको पोस्ट से एक लेटर भेजा जाएगा, उसमें एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म में कई सारी चीजें होगी, मैं आपको बताऊंगा और आगे। उसमें क्या होगा कि आपको अपने बच्चे का मेडिकल भी लेकर आना पड़ता है, यानी कि जो आपके वहां का लोकल डॉक्टर है उसे लिखवा के लाना पड़ता है कि भाई मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है या कुछ भी है। तो उसमें जो जो चीजें होती है कि मेरे बच्चे की हाइट है इतनी और मेरे बच्चे का वेट है, तो कई सारी चीजें उसमें होती है, तो वो चीजें आपको लिखवा के ले जानी पड़ती हैं। उसके साथ साथ कई सारे और भी ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अब जैसे ही आप वो प्रस्तुत कर लेते हो तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कई सारे ऐसे वेरिफिकेशन वाले होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि भाई हाँ, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमारे सामने पेश किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है, तो ही जवाहर नवोदय विद्यालय आपको वहां से लिख के दे देता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड अब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तो ही आपको उस स्कूल से जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाना है और जवाहर नवोदय विद्यालय में पेश करना है, है ना। तभी आपके बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म माना जाएगा। अगर आप उससे पहले, क्योंकि मान लो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो या फिर किसी कारणवश आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ना हो, तो शायद आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब तो आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपके बच्चे का नहीं हुआ है और जिस स्कूल में बच्चा आपका पहले से पढ़ रहा था आपने वहां से भी उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है। तो अब कुल मिलाकर यहां जाओ तो कुआ, यहां जाओ तो खाई, दोनों तरफ से आप घिर जाओगे। इसका मतलब, इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने हाईलाइट करके ये बता दिया है कि जब तक आपके बच्चे का या फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्म ना हो जाए, तब तक जो कैंडिडेट है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के कंफर्मेशन से पहले अपने जो जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना ले। अगर वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेता है और बाद में अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में भी उसका एडमिशन ना हो पाता है तो इसकी जिम्मेवारी उस कैंडिडेट या फिर उसके पेरेंट की होगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा खुला कर दिया गया है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना लें। और कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी तक तो इसका जो जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो बहुत लेट आएगा, तो क्या अभी जो हमारे बच्चे हैं उनका नेक्स्ट यानी कि जो सिक्स्थ में एडमिशन ले कि नहीं ले, यानी कि जिस स्कूल में वो भी बच्चा पढ़ रहा है उसमें उसको सिक्स्थ में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरी मानो, चाहे आपके बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, आप सिक्स्थ में एक बार एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मई में आपका इसका जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा, और जैसे ही वो घोषित हो जाता है तो फिर तो आपको वहां पर जाना ही है। तो तब तक आपके एक महीने दो महीने की जो फीस होती है वो शायद आपके लिए लग सकती है, लेकिन ये आपके लिए एक बेनिफिशियली एक ऐसी बात होगी जो कि शायद आपको नुकसान ना हो इससे, है ना। तो इसलिए आप अभी जो चल रहा है, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल की फीस टाइम टाइम भरते रहिए और बच्चे को सिक्स्थ में एडमिशन लेने दीजिए। जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जारी हो जाता है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉन्टेक्ट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए और वहां से अगर वो आपको हरी झंडी दिखा दे तो ही आप जो आगे की प्रोसीडिंग है वो कीजिए। इससे पहले अपने आप से किसी भी प्रकार का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि हर कदम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए और आपको मेरी सारी बात सही से समझ आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं बी एस सोलंकी ऑल राउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।